दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज यानी शनिवार की दोपहर 2 बजे सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की कस्टडी में भेजा था, जो आज 4 मार्च को पूरी हो रही है। उधर शुक्रवार को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें, इस याचिका में उन्होंने लिखा कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो आए हैं। उन्होंने दलील दी है कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सीबीआई कर चुकी है। इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन एससी ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा था।